वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से हमारी सेकंड ट्रिप के लिए। तो फर्स्ट ट्रिप तो प्लान नहीं थी, वो एक सरप्राइज था। ये ट्रिप प्लान थी और इससे पहले ये ट्रिप शिमला की थी। बीच में हम लोगों को लगा था अच्छा टिकट बुक नहीं करी कि हम लोग सोच रहे थे सिंगापुर या इंडोनेशिया ट्रैवल करने की, क्योंकि बहुत टाइम से ज़्यादा सोच रहे थे पर नहीं हो पाया वो। और कहीं ना कहीं अच्छा हुआ क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है और कहीं ना कहीं खतरा हमें भी है। मैंने मास्क जो है वो राजा से मंगवाए हैं, अब देखते हैं उन्हें मिलते हैं नहीं मिलते, वरना कहीं से जुगाड़ करती हूँ मैं, क्योंकि ट्रेन भी ऐसा सेफ नहीं है फिलहाल। आप जितनी खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग की ट्रेन है 10:30 की और मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, मेरे को कैमरा उठाने का टाइम नहीं मिला। मैंने पैकिंग जो करी हुई है, फिर भी अभी थोड़ी बहुत फिनिशिंग जो रहती है वो करनी है। मेरी हालत बहुत बैड है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, सच में कुछ नहीं खाया। मैंने एक कप चाय पी थी और फिर राजा ने कुछ टी शर्ट्स निकाल दी कि अब वो धोनी है, तो मैंने सुबह सुबह धोई, ड्राई में डाली, सुखाई, तो बहुत सारा काम हो गया था। ऐसे दूध उबल रहा है, मैं बेडरूम संगा हुआ है और मैं थोड़ा साफ करूंगी, पर बीच में मैं खाना खाने जाऊंगी। तो उससे पहले मैं ट्रेन के लिए खाना बना रही हूँ, तो चलिए पहले खाना बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर जो भी काम है वो करते हैं। तो चलिए और मैंने अपने लिए मटर पनीर और पूड़ी निकाल ली है, मैं खा रही हूँ। मैं रात में अब नहीं खाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो रहा है जाने का। अभी ट्रेन का शेड्यूल चेक करूंगी मैं और अगर राजा को खाना होगा वो खा देंगे। एक्चुअली में क्या है, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर टाइप के आने लगते हैं अगर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो मैं जल्दी से खाती हूँ और उसके बाद जो फाइनल काम है वो ख़त्म करती हूँ, बैग पैक करती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। खा लिया था और अब हम लोग जा रहे हैं लोगों को छोड़ने। मेरी हालत बहुत बैंड हो रही है। चले मरी, ओ कितने क्यूट है तू, कितने क्यूट है। क्यों किस कैमरे को देख रहा था? ये बहुत शैतान हो रहा है फिलहाल, है ना? बाय, मैं टिंटन हूं, मैं टिंटन हूं, मैं टिंटन हूं। तो चलिए मैं इसे छोड़ के आ रही जल्दी से, फिर हम पार्सल पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। सीरियसली मैं अब गिर जाऊंगी आज। चलो इसको नीचे, ये इसी पे रख दो अभी, पहले बेल्ट बांधो। चलो चलो चलो, लेट हो रहे हैं। चलो तो अब हम लोग निकल रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा पता मुझे आज। आज थोड़ा सा पता क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बोझा फटाफट एक साथ छोड़ के जाते हैं। जाए कहाँ से? अच्छा वहाँ से ना, मैं एक बार देख सिलेंडर बंद कर बंद है। हाँ बंद है ना। सी दिस, ये हमारा एक बैग है जो कि बहुत भारी है। ये छोटा है उससे या इक्वल आई थिंक। तो इस बैग में राजा का सामान है, तो इसमें राजा के 4-5 किलो के जूते ही आएंगे, ठीक है? काफ़ी भारी है। ये मेरा बैग है और ये हल्का है, तो अभी रख रहे हैं। देखिए
चलिए तो हम लोग निकल गए हैं, वाटर बॉटल भूल गए थे तो वाटर बॉटल ले रहे हैं, पानी की बॉटल। ये सही रहती है यार। हम रेलवे स्टेशन से वापस घर आ गए। क्या हुआ, हम लोगों ने स्टेटस चेक किया था पहले भी, ट्रेन थी 2-3 घंटे लेट, बट हम लोग चले गए क्योंकि एक बार हमारी गोवा से ऐसे छूटी थी, ट्रेन लेट दिखा रहा था, पर वो एग्जैक्टली तब तक चली गई थी वहाँ से, मतलब उस टाइम स्टेटस गलत दिखाया था। हम 3-4 ऐप जो हम लोगों ने देखी, एक 1:30 बजे दिखा रहा है, एक 12:30 दिखा रहा है, एक 12:40 दिखा रहा है, तो हमें लगा कि श्योर करने के लिए चले जाते स्टेशन। फिर हम लोग चले गए कि अगर टाइम पे होगी तो भी चले जाएंगे और अगर थोड़ा बहुत लेट होगी तो भी चले जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत लेट होगी तो वापस तब भी बैठ जाएंगे, अगर ज़्यादा लेट होगी तो घर आ जाएंगे। तो हम घर आ गए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। हमने जो ऑटो है वो बुक किया। कैब आ नहीं रही थी रात को यार। कैब नहीं आ रही है तो ऑटो आ रही थी। कैब आ रही थी, टू व्हीलर। हाँ वो बाइक मिल रही है। दोनों अलग अलग बाइक पे जाते हैं। हाँ, 4-व्हीलर नहीं मिल रही है, 2-व्हीलर मिल रही है। तो फिर हमने ऑटो वाले का नंबर लिया और बुक कर दिया उसे कि वो आ जाएगा। ऑटो वाले को बुक कर दिया, तो फिर कॉल कर लेंगे हम। ऑटो बुक किया। हाँ, और हमने मास्क भी ले लिए हैं। बहुत ही महंगे पड़े हैं मास्क, 3-3 600 रुपए के। 600 रुपए के। अब देखिए मैं कैसे पिगी टाइप की, यहाँ पे मेरे ख्याल से पता है महंगा बेच रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन भी 250 का दिखा रहा है। ऑनलाइन महंगा ही है। ये है T959। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है तो ये हमने रख लिया क्योंकि ट्रेन में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रहते हैं। हमने पहना तो राजा बोले तो सुअर जैसे लग रहे हम लोग, वैसे लग तो रहे ना सुअर जैसे। भैया देखो मैं तो लग रहा हूँ सुअर, आप लग रही सुंगरिया। सुंगरिया नहीं, सुअरिया। सुंगरिया होता है, सुअरिया होता है, इसे बोल रहा था शर लगा लो। सुअरिया होता है, जो बोलना है बोलो यार। तो ऑटो वाला आ गया, लाइट बंद कर दी। आ रहा, आ गया है ऑटो के पास। आई थी मुझे, अरे भैया, अच्छा वो घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उतारने की ये एक नंबर ही है ना। जल्दी पहुंच गए यार। हाँ भैया बोलो। ठीक है यार, वेट कर लेंगे। तो हम लोग आके बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म के बाहर। एक्चुअली में ट्रेन बहुत लेट हुई है, वो 1:30 का टाइम दिखा रही थी, मतलब 12:10 का दिखा रही थी, अब दिखा रही है वो 2 बजे का टाइम, 2:18 का, बस यही बचा था। रिक्शा में बैठ गए तो चलो भैया, रिक्शा वाला मारेगा तुम्हें। विजयनगर जाना है तो हम लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। मैं डायरेक्ट उसमें बैठूंगी जिसे रिक्शा चलाऊंगी मैं। चलो भी हाँ, वीडियो शूट करूँ, चलाओगी रिक्शा? अबे मारेगा मुझे। अनाउंसमेंट सुनते रहना, ट्रेन जा रही है। रिक्शा को चुरा गया, उसके ऊपर से जा जाएगा रिक्शा। पता नहीं क्या हो रहा है ये। पता है मैंने तो 4 पूरी खाई थी। देखो सो रहा हो कहीं। नहीं अरे सवारी आई, चलो उठ के आ जाएगा, हम नींद नींद अपना छोड़ के। हम बोले नहीं, हम तो ऐसे ही बैठे थे। 7:30 बजे मैंने खाना खाया था, मुझे भूख भी लगी, मैंने 4 पूरी खाई थी तब, और अब लग रही है भूख। सच में मेरे को लगा आ गया। कौन आ गया? रिक्शा वाला। ऐसे सामान लेके भाग जाएगा कोई यहाँ पे? देखो ऐसे अलग अलग पड़े हुए बैग, मेरा पर्स, ऐसे लेके भाग गया। मेरा पर्स 200 रुपए का, पर्स में सामान है, 2 मोबाइल है। पर्स कोई ले जाए, खाली करके ले जाए, पूरा पर्स ना लेके जाए। गर्मी नहीं, ठंड लग रही है। टोपा पहन के किस किस को माथे पे खुजली होती है? मुझे बहुत खुजली होती है माथे, राजा को भी होती है। मेकअप ये रात में बताओ तुम, मैं कैसे मेकअप करके सोती थी पहले। हाँ रात को ये मेकअप करके इसलिए सोती थी कि सपने में राजा आएगा तो अपना गंदा ना दिखे। हाँ पहले मेकअप करके यही
इनका यही रीजन था मैं पूछता था। तो ऐसे बैगों में कुछ ढूंढना पॉसिबल नहीं है। हम लोग, मेरे को लग रहा है हम लोग की ट्रेन में निकल जाए, मैं बैठे बैठे मस्ती करते रह जाए। चोटी कर लेती हूँ, है ना? वेट, अब आप टोपी नहीं पहनोगी? नहीं पहन लेना यार, स्टेशन तक यार अच्छी लग रही थी। है? नहीं यार, क्या पहनी टोपी? यही है वो लड़की जो स्टेशन में बैठ के आधी रात को कंघी कर रही है। कितना टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है ना? हाँ। 1 के ऊपर हो गया, 1:10, 1:15 बेटा ट्रेन निकली, तुम देख लेना। पता चला मैं बोल रहा हूँ ट्रेन निकल गई, मेकअप वो जा तो नहीं रही, आवाज आ रही है। आट, ये देखिए 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 ऑटो देखिए, बस डिजाइन ना ऑटो, आट एक नंबर ऑटो। हाँ अब सही है, अब थोड़ा डांस करती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे टिकटॉक वीडियो, हाँ टिकटॉक वीडियो डांस करो, क्यों कोई देख ना रहा। ये मम्मी वाला डांस कर रही है अपनी। मम्मी वाला डांस मम्मी लोग करते हैं, कीर्तन पे डांस। मेरी मम्मी तो ऐसी करती है। कोई देख ना रहा। मम्मी बोले, मम्मी बोले मजाक उड़ा रही मेरा। टोपा पहन लो, चल टोपा अच्छी लगी। ये बहुत खराब है, टोपे क्यों पहनवा रहे हो? अरे पहनो तो, समझो आ जाती हो रात, टेंशन ही नहीं। एक लड़का था वो हमारे सामान को घूर रहा था, स्पेशली उस सूटकेस को, वो इतना लगातार घूर रहा था। अच्छा लग रहा था क्या उसको दिख रहा है? बहुत पता, वो एक बार गया, मैंने राजा से बोला राजा वो घूर रहा है, तुमको घूर रहा है? मैंने बोला मैं तो दिख ही नहीं रही, मेरी तो आँख ही दिख रही है। फिर मैंने बोला हमारे सामान को घूर रहा है, स्पेशली उस सूटकेस को घूर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ, और फिर वो गए ऐसे। कैसे? ऐसे नहीं कहता, वो देखता ऐसे। इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म से भग के आ गए, चोरी ना हो जाए। अपनी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ ना बेसबॉल का डंडा है, ना मेरा पंच है, ना मेरी गन है, क्योंकि एयरपोर्ट में जाना था वैसे छूट जा, मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ। फिर बाद में काना किस लिए, बांधवगढ़ जाना होता, कार में कहीं जाना होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। कौन है? अच्छा ये वहाँ से आ गया, ये मेरी जीन्स सूंघ रहा है, बोझों की खुशबू आ रही थी। हेलो बड्डी, मतलब हर जगह मिल जाएंगे हमको, लो बैठ गया वो। पता हम, पता हम लोगों के ना बहुत सारे वो हैं, क्या गुर्गे, गुर्गे। चलो खाने को देते हैं, दो थोड़ी देते हैं, चलो खाने को मिलते हैं ना, खिलाए नहीं भेजते किसी को, मेहमानों को। जो हमारे पास आते हैं ना स्पेशली। अरे अरे क्या मुन्ना मारे, मिलेगा मिलेगा सबको, मिलेगा सबको, मिलेगा 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 सबको मिलेगा। मैं बहुत सारी बना के लाई थी कि तुम जैसे लोगों हार्ट मिलेगा 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 सबको मिलेगा। ये बात मिली, पूड़ी मिली खाने, पूड़ी फ्रेश फ्रेश पूड़ी, ₹5 दूर से हैप्पी, वो अच्छी नहीं लगी उसे, बेइज्जती कुत्ते ने रिजेक्ट कर दिए, कुत्ते द्वारा रिजेक्ट कर गई पूड़ी, बेइज्जती। उसको पाउडर लगा दो, नहीं खाए यार, क्या भाई बेइज्जती कर रहा है साले खाने की। मैंने 4 पूरी दी है इसे, जितनी मैंने खाई थी। ओए खा खा उसे, खा रहा कि नहीं भाई, जल्दी से खा। अरे कितना बड़ा वाला है भाई, पूरी नहीं खा रहा, हद हो गई यार। कौन चला रहा है अभी, लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई पड़े रहने दो, अब नहीं खा रहा, दूसरा आके खा लेगा, रिजेक्ट कर दी है, गई है पूरी।
बड़ी बेइज्जती होगी पता है। अजवाइन नमक की पूरी थी, चाय से भी खा सकता है इंसान, ज़्यादा ही बन रहा अपने आप में, ज़्यादा होशियारी में। खा लो भैया, जब पूछ पूछ तो देखो, अब मत हिलाओ, जाओ पूछ लेंगे सारा। अच्छा हमने से प्यार दिखाया पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या हुआ? वो खा रहा था एक पूरी, जैसे ही उसने लगा कि चलो थोड़ा सा इज्जत रख लेता हूँ, एक खाता हूँ मैं, तभी की तभी उसके सामने तीन पूरी रख ली। तो डर के छोड़ के भाग गया। पहले वो एक खा रहा था इज्जत रखने के लिए, खा रहा था ना, जैसे मैंने तीन रखी वो भाग गया। वो बोला इतनी भी अच्छी नहीं, नहीं खा रहा मैं। पतली चाय जबलपुर मंडल स्वच्छ भारत, जबलपुर डिवीजन स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत। चीयर्स। रुकी नहीं है तो? रुकी हुई तो हुई थी अभी। रुकी हुई थी? हाँ। चाय 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 चाय। ₹5 चाय 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 चाय। यहाँ मत करो इंसल्ट हो रही है। चाय 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 चाय। ₹5 वो अंकल देख। मैडम चाय ₹5 चाय। ऐसा लग रहा मीठा पानी है। चाय कम पानी ज्यादा। तेरे नाम तो देखो। या। गीले में डालो, गीले में डालो। ये है गीला कचड़ा। गीले कचड़े में डाला जा रहा है। डर ने मुझसे बोला कि तुम सूखे में डालोगे गीले में डालोगे, मैंने बोला डिपेंड करता है, मैं छोड़ती हूं ये। पूरी पाती हूं गिरेगी। हां। 2 बज गए हैं, 2 गिरेगी, गीले में डाला जा रहा है। मैं प्लीज आऊं। हुआ था अजीब सर, नॉर्मल। हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं पर कोई लोग देख रहे हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेशरम लोग हैं। हाँ। जोर जोर से हंसो। नो 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 मैं नहीं बोलूंगी राजा, बहुत बेइज्जती कर रहे हो, पता है सब देख रहे हैं। बेइज्जती में इज्जत। हाँ चलो सेकंड इमोशन। हाँ। रो के दिखाओ। आप तो जानती हो कितना एक्टर, तो खून में एक्टिंग, खून में बसी है। नॉर्मल स्माइल। अच्छा भूत भूत आ गया तुम पे। पता मैं रख रही हूँ कैमरा, पता सब लोग देख। 3:03 बहुत छोटी छोटी सीट है राजा, आते ही नहीं सीटों पर। तुम्हारी सीट सही है, तुम्हारी हाइट ज्यादा है। हां ऐसा है क्या? हां 7-8 बजे से सोच रही थी कि मैं सो जाऊंगी, बट ट्रेन लेट होते होते 3 बज गए, बट फिर फाइनली 3 बजे आई है। मतलब थैंक गॉड हम थोड़ा टाइम और घर भी चले गए थे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्टेशन पर निकल गई। खैर हम डेस्टी वो भी पूरा नहीं देखा। तुम देखो क्या? अभी कौन देखे? मैं तो देख रही हूँ, मैं तो बिग बॉस देख रही हूँ और देखते देखते मैं सो जाऊंगी। ठीक है, ट्रेन में ट्रेन का व्लॉग, ट्रेन में ट्रेन का व्लॉग। चलो ठीक है, फोटो खींच लेना। नहीं अभी हम लोग मुंबई आ गए, हम लोगों ने होटल बुक कर लिया है, हमने जो कैब वाला बुक किया था वो बहुत अच्छा बन रहा था, बहुत अच्छा बन रहा था। मेरे बाल खुल गए,
और मेरी हालत भी बढ़ी। हाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा था। और आपको पता है वो लोकमान्य तिलक से CST का उसने 1600 रुपये 1100 का मीटर और 500 रुपये उसने पता नहीं क्या किया राजा के साथ, वो राजा ही बता सकते हैं क्या हुआ। राजा को बहुत टाइम लग गया, हमने होटल बुक कर लिया, मैं सोची थी लगेज चढ़ाएंगे लगेज चढ़ाएंगे, पर उस बीच में ना काफ़ी सारा हाँ तो वहाँ से पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इनको। मेरे को वही लगा पता नहीं क्या हो रहा है, बहस तो नहीं हो गई है। बाहर खड़े हम नई जगह पे हैं, 3 बार आए हैं हम मुंबई, एक बार 14 में, एक बार 4 बार आए होंगे, नहीं 3 ही बार आए, एक बार डायरेक्ट निकल गए थे। नहीं मैंने उसको 1100 रुपये उस बिल बना था, 1100 से 3400 रुपये का। मैंने उसको पहले 1000 रुपये दिए, पहले 1000 रुपये दिए, उसने बोला भैया आपने 1000 की जगह 500 का दे दिए। झूठ बोला उसने सीधे, मैं 100 रुपये और निकालने लगा, इतने मुझसे बोला अरे आपने तो अपना 2500 की जगह अपने कितना पैसा दे रहे हो आप, अपने तो 500 की जगह 50। मैंने उसको सबसे पहले 1000 रुपये दिए थे, उसने 1000 को 500 कर दिया कैसे, 50 का दिखा के आपने गलती से 2500 की जगह 1500 का 1050 का दे दिया। हाँ हाँ तुमने 1050 दिए थे, 1050 का था ही नहीं मेरे पास, कहाँ से देता। हाँ हाँ फिर झूठ क्यों बोला। अच्छा उसने 50 का बना दिया, 500 को 500 को 50 का बना दिया। हाँ हाँ उसके बाद मैंने 500 एक और दिया तो बोलता है ये तो आपको फटा दे रहे हो आप नोट। हाँ फिर उसने मैंने उससे बोला तुमने कितना पैसा ले लिया मेरे से, उसने मेरे से 1600 रुपये ले लिया टोटल, 1100 की जगह 1100 की जगह। इस तरह से पता है वो ऐसे बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहा था हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। वो ऐसे होटल लेके आया, उसके बाद फिर उसने पूरा आधे 15-20 मिनट तुम उसके साथ ही थे, वो कुछ ना कुछ वो नोट पता है आपके आंखों के सामने ही बदल रहा था कि उसने एकदम से वो कर दिया। 50 का नोट था ही नहीं राजा के पास, तो वो वहाँ से पकड़ा गया जहाँ पे राजा ने बोला मेरे पास 50 का नोट था ही नहीं। एक्चुअली में क्या होता है जब आप कहीं ट्रैवल करते हो आपको पता रहता है, और हम बेसिकली राजा पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, राजा को एग्जैक्ट एक एक नोट का पता रहता है अपने पर्स के। तो उन्होंने बोला मेरे पास 50 रुपये थे ही नहीं, क्योंकि कहीं पर मुझे ट्रेन में चेंज चाहिए थे, तब तुमने चेंज नहीं दिए। ट्रेन में चेंज चाहिए थे मुझे, तो इन्होंने मुझे चेंज उस टाइम पे नहीं दिए थे, इन्होंने बोला 500 का है तोड़वाना तो बताओ, उस टाइम पे 50 नहीं थे तुम्हारे पास, इसलिए मेरे को भी याद था 50 का नोट नहीं था। तो उसने जब चेंज किया ना तब पता चल गया कि 50 का नोट तो था ही नहीं है, 50 का नोट आया कहाँ से। तो ये वाली दिक्कत हो गई, क्योंकि 50 का नोट मुझे वाटर बॉटल चाहिए थी, मुझे अपनी जो 2 लीटर की वाटर बॉटल बिस्लरी लेके आए थे उसमें स्मेल आ रही थी, फिर मैंने वो बॉटल खरीदी नहीं, क्योंकि 500 का चेंज नहीं मिलता। चाय आ गई है तो शुरुआत थोड़ी सी ख़राब रही, जबलपुर से आने के टाइम पे भी लेट हो गई ट्रेन, यहाँ पे आने से पहले ही मतलब दिमाग थोड़ा सा वो ख़राब हो गया कि ठीक है चलो यार 1600 का बिल बनता अलग बात थी, पर वो पैसों से खेल रहा था और उसके बाद झूठ भी बोल रहा था। और गाड़ी का नंबर ले लिया पर क्योंकि हम उसे कह रहे थे कि मेन सिटी के रास्ते से नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग को पता नहीं कोई वो थी ऑयल वॉयल पेट्रोलियम वेट्रोलियम वाली जगह से घुमा के लाया, जहाँ पे पेट्रोलियम वेट्रोलियम की फैक्ट्री थी, बहुत घुमा के लाया। और उसमें लगा आप सीधे सीधे आते तो 500 लगते, होटल वाले ने बोला, तो फिर हमने बोला ठीक है 1100 लगते कोई नहीं, पर उसने वो जो घुमाया फिर उसने 1600 रुपये ही ले लिया 50 का झोल करके। तो शुरुआत थोड़ी ख़राब हुई हम लोग के ट्रिप की, चाहे वो जबलपुर से लेट होना हो चाहे फिर वो यहाँ पे लेट आना हो, उसके बाद फिर ठग ही जाना हो, क्योंकि और लड़ना भी कोई सेंस नहीं बनता था उससे, क्योंकि कोई मतलब ही निकलता लड़ने का। हम लोग यहाँ पे है उसे पता है कब तक के लिए, हम कहाँ जा रहे हैं ये भी पता है उसे, एयरपोर्ट सब कुछ निकलवा लिया। अरे नहीं है लॉक तुमने लॉक सब उसको सब कुछ पता है कि हमारी फ्लाइट कितने बजे की है, हमारा सब क्या कितने बजे का है। तो चलिए कोई नहीं, मैं भी कर रही हूँ इस व्लॉग को एंड, और देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं यहाँ से। मैं आपसे मिलती हूँ कल, कितनी वीडियो तब तक के लिए, बाय, लव यू ऑल।